पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह छोड़ सकते हैं भाजपा। हरियाणा में भाजपा की लुटिया डूबनी तय। इस तारीख की रैली के बाद लेंगे बड़ा फैसला। साल 2024 में हरियाणा में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अभी से ही हरियाणा की सियासत में उबाल आ गया है। जिन राज्यों में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, उन राज्यों के बराबर ही हरियाणा की सियासत में हलचल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी, इनेलू, कांग्रेस, जेजेपी, बीजेपी, तमाम सियासी दल अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगी हुई है, लेकिन इन सबों के बीच सत्तारूढ़ बीजेपी पूरी तरह से संकट में दिखाई दे रही है। पार्टी के लिए सत्ता बचाना अभिमन्यु के चक्रभेद जैसा हो गया। एक तो पार्टी को लेकर आम जनमानस में गुस्सा है, तो वहीं पार्टी के अंदर भी एक घमासान मचा हुआ है। पार्टी सत्ता में सहयोगी जेजेपी से भी परेशान दिख रही है। जब से जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन हुआ है, तब से ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह पार्टी की परेशानी बढ़ाते दिख रहे हैं। जेजेपी प्रमुख दुष्यंत और वीरेंद्र दोनों में लंबी सियासत अदावतें रही हैं, जो दोनों के साथ आ जाने के बाद भी खत्म नहीं हुई। दोनों पार्टियों के गठबंधन टूटने के कयासों के पीछे भी वीरेंद्र सिंह को वजह बताया जा रहा है। वीरेंद्र बिना पार्टी के समर्थन और मंजूरी की ही रैली निकाल रहे हैं। वह वीरेंद्र की रैली उन्हीं क्षेत्रों में है जिन क्षेत्रों में दुष्यंत और उनकी अदालतें चलती हैं। ऐसे में कल तक यह अनुमान लगाया जा रहा था कि भाजपा ही जेजेपी को कमजोर करने के लिए वीरेंद्र सिंह को साइलेंट सपोर्ट दी हुई है, पर आज कहानी कुछ और होती दिख रही है। अब वीरेंद्र सिंह के ही पार्टी छोड़ने के कयास लग रहे हैं। खुद सिंह के समर्थक इस बात की ओर इशारा करते दिख रहे हैं। आखिर क्या है पूरी कहानी आपको बताएंगे, उससे पहले गुजारिश है चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीरेंद्र सिंह छोड़ सकते हैं भाजपा। जिंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के समर्थक शिवनारायण शर्मा व सोमवीर पहलवान, हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर से बड़ी हलचल होने जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। हालांकि वीरेंद्र सिंह की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन शनिवार को वीरेंद्र सिंह के समर्थकों ने जिंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके संकेत दिए। वीरेंद्र सिंह के साथ ही शिवनारायण शर्मा, सोमवीर पहलवान ने जिंद में पत्रकारों से बातचीत की, दावा किया भाजपा में वीरेंद्र सिंह और उनके कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, इसलिए 2 अक्टूबर को जिंद में आयोजित हो रही मेरी आवाज़ सुनो कार्यक्रम के मंच से वीरेंद्र सिंह बड़ा फैसला लेंगे। वीरेंद्र सिंह के समर्थकों ने दावा किया अब भाजपा को अलविदा कहने का समय आ गया है। कांग्रेस में जाने की संभावना, वीरेंद्र सिंह का नया ठिकाना कहाँ होगा यह अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन उनकी प्राथमिकता कांग्रेस पार्टी ही रहेगी। वीरेंद्र समर्थकों ने कहा, पिछले 50 साल से किसानों की अनदेखी हो रही है। वीरेंद्र सिंह हमेशा से ही किसान और कमजोर वर्ग की लड़ाई लड़ते आए हैं, भाजपा में उनकी आवाज़ को सही तरीके से नहीं सुना गया, इसलिए 2 अक्टूबर की रैली में बड़ा फैसला लेंगे। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी को छोड़कर ही भाजपा में शामिल हुए थे। उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता भाजपा से विधायक रह चुकी हैं। उनके बेटे सांसद बृजेंद्र सिंह हिसार लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। सिंह और चौटाला परिवार में लंबे समय से चलती आ रही राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई। दोनों परिवारों में लंबे समय से राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई चलती आ रही है। अप्रैल मई 2019 के लोकसभा चुनाव में विजेंद्र ने हिसार में दुष्यंत को हराया। हालांकि अक्टूबर 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में दुष्यंत ने उजाना कला विजेंद्र की मां प्रेमलता को हरा दिया। वह इस सीट से मौजूदा विधायक थी। 2019 में 90 सदस्य हरियाणा विधानसभा के चुनावों में त्रिशंकु जनादेश आने के बाद 40 सीटों को जीतकर भाजपा सबसे आगे थी। सरकार बनाने के लिए भाजपा ने जेजेपी के साथ हाथ मिलाया। साल 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान जेजेपी ने 10 सीटें हासिल की। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बने और दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हो गए थे।